मेरी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट जीपीआई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है। बच्चिया क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे। भाई मेरा वॉलेट लेकर आओ, आज हमारी बेटी अच्छे नंबरों से पास हुई है, भाई इनाम देना तो बनता है ना। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होगी, ये तुम्हारे तायबू का वादा है तुमसे। तायबू इस पे नजर रखनी आपने, ये बहुत चीटिंग करता है। अरे मंगेतर हूँ तुम्हारा, प्यार से बात करो। अब जाओ सुगर लड़कियों की तरह ट्रे सजा कर लेकर आओ, जाओ। सैफ खबरदार जो मेरी बेटी पे हुकुम चलाया। सिर्फ बता दो कि मेरा क्या कसूर है जो तुमने मेरी बेटी को हाथ मार लिया। एहसान का बदला तो एहसान होता ना, तो फिर तुम एहसान फरामोश क्यों निकली? मियाँ कब तक ऐसे अकेले बैठे खुद को मुझे सजा देंगी? जो कुछ इस खानदान में हो रहा है ना, कभी कभी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा ठीक कैसे होगा। उमायमा को अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, उसे मारियो समीना मामी से माफी मांगनी होगी, और एहसान मामू को यह समझना होगा कि पुराने रिश्ते ही काफी हैं। नया रिश्ता ना तो कोई बन सकता है और ना ही कोई बनेगा। तुम जितने प्रैक्टिकल हो ना, पूरी दुनिया इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती बेटा। मैं कब से मारियो को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही। बस अल्लाह खैर करे, एहसान और कुत्सिया जिस गुस्से में यहाँ से गए हैं ना, मुझे तो डर लग रहा है कि माँ बेटी पे कोई जुल्म ला कर दें। बस एहसान मामू ऐसे नहीं है, मुझे नहीं लगता वो उनको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने वो सब नहीं देखा जो मैंने देखा हुआ है। कुत्सिया जब समीना को धक्के मार के घर से निकाल रही थी ना, तो एहसान की एक नहीं चल रही थी, और आज तो एहसान भी गुस्से में गया है। और जब बेटी की बात आती है ना, तो लोग लिहाज भूल जाते हैं अपना। आप प्लीज समीना मामी को कॉल करें ना। वो ही तो कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है, बहुत परेशान हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो। मैं इस वक्त उनके घर नहीं, अम्मी आई मीन कोई नया इशू बन जाएगा। तुम नहीं जाओगे ना, तो मैं ड्राइवर के साथ खुद ही चली जाऊंगी। रिलैक्स करें, मैं एक काम करता हूँ, उन दोनों को फिर कॉल करता हूँ। बात करने के बाद जो भी सूरत हाल होगी, फिर हम फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। कॉल करो। करता हूँ मैं। हेलो हेलो, आप सारिका मामी? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अम्मी आपको और मारियो को काफी देर से फोन कर रही थी, आप लोगों का नंबर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मोहब्बत के लिए शुक्रिया बेटा, बस नमाज पढ़ रही थी। सफर पे निकलना है, जिंदगी आगे पता नहीं क्या क्या दिखाएगी, बस आसानी की दुआ कर रही थी। कहीं जा रही हैं क्या? मुझे फोन दो,
मामी अम्मी बात करना चाह रही, प्लीज बात करें। समीना क्या कह रही हो, कहाँ जा रही हो? क्या एहसान तुम्हें घर से निकाल रहा है? तलाक की धमकी दी उसने तुम्हें क्या? नहीं, ना घर से निकाल रहे हैं ना तलाक की धमकी दी है। तो फिर ये आने जाने की क्या बात कर रही हो? अपना घर अपने शौहर को क्यों छोड़ रही हो तुम? सिर्फ नाम दे देने से कोई शौहर तो नहीं बन जाता अब। और ये घर, ये हमारी पनाहगाह नहीं है, यहाँ तो हमारी इज्जत नफ्स का जनाजा निकला है। आज तो एहसान अहमद ने भी मारिया को पिछले 23 सालों की एक एक चीज गिनवा दी, इससे पहले के सब के तानों और बेअतबारी से मेरी बच्ची का दम घुट जाए, हम लोगों को यहाँ से चले जाना होगा। देखो मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और अभी मौजूद हूँ, ये बड़े बड़े फैसले अकेले मत लो। पापा यहाँ पे आने का फैसला भी आप ही की वजह से लिया था, अब यहाँ से जाने का फैसला तो खुद करने दीजिए। हाँ समीना, मुझसे गलत फैसला हो गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आगे के भी सारे फैसले गलत होंगे। मैं काम करती हूँ, अब्दुल्ला को मैं तुम्हारे पास भेज रही, तुम और मारिया ना मेरी तरफ आ जाओ फौरन। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा आपा, इससे तीनों खानदानों में खलिश और बढ़ जाएगी। समीना मैंने कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना, ये मामला बड़ा संगीन हो चुका है, तुम बस अब्दुल्ला के साथ घर आ जाओ मेरे। जाओ लेके आओ उन्हें, चलो चलो सुनाता हूँ।